योर होस्ट रचित पंगाल। आज के हमारे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और सबसे पहले थैंक्स टू ऑल कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को इतना पसंद करा, सपोर्ट कर रहे हो, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आज का जो व्लॉग है वो डेडिकेटेड है मेरे फादर के ऊपर, क्योंकि आज उनका बर्थडे है, तो आज हमारे घर में हवन होगा उनके लिए, मेरे फादर के बर्थडे के लिए, तो हम हवन करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोर को भी उसमें लेके जाऊं और शायद मैं आपको आगे क्लिप्स भी दिखाऊं कि थोर भी वहां बैठा होगा, तो बहुत मजा आएगा आज। स्टे ट्यून्ड। अभी जो आपने क्लिप देखी है वो पापा के लिए हवन कराया जो घर में उनका बर्थडे है वो देखी है। अब मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैं थोर को लेके गया था वहां पे हवन में। और हवन में मैं शुरू में क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि इसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है बाहर। इस टाइम गर्मी है क्योंकि हरियाणा में, हिसार में बहुत ज्यादा गर्मी होती है इस टाइम एज कम्पेयर टू अपने इंडिया में और दूसरे स्टेट से सबसे ज्यादा इधर गर्मी होती है, तो इसलिए मैं इसको बाहर नहीं लेके जाता ज्यादा। ये एसी वाले रूम में ही रहता है यहाँ पे ये, तो इसको यहाँ पे मजा आता है ठंडा। देखो अभी भी आराम से पड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूं जब थोर को मैं वहां पे ले गया था। पहले आप क्लिप्स देखो फिर बात करते हैं। कैसा लगे आपको कि जब ये हवन में ले गया, मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपको कैसा लगा है जब पंडित जी ने इसके ऊपर इसको भी माथे पे तिलक लगाया था। तो और ये मम्मी के पास ही बैठा रहा, मेरे को तो मेरे पास तो आया ही नहीं है। तो बताना कैसा लगे आपको ये वीडियो। अब आगे थोर की क्या डेली रूटीन, आज की रूटीन क्या होगी आज के डे की, तो आज थोर को मैं एक बार वेटनरी के पास लेके जाऊंगा, इसका रूटीन चेकअप है, तो वो देखते हैं क्या। वैसे तो बिल्कुल सही है, फिट है, हेल्दी है। ये 2 मंथ्स का हो गया, 2 मंथ्स 5-6 डेज का हो गया ये, और इसका वेट है 6 kg 200 ग्राम्स के आसपास, तो ये हेल्दी है, ठीक है, इसके हिसाब से भी वेट सही है इसका। थोड़ा सा इसने एक बार जो लूज स्टूल करी थी, एक ही बार करी थी, उसके बाद तो इसकी पोटी बिल्कुल सही आई है, पर फिर भी एक बार रूटीन चेकअप के लिए इसको लेके जा रहे हैं वेटनरी के पास, तो आगे वहीं मिलते हैं। तो अभी मैं थोर को चेक करवाया हूँ, ये हमारे हिसार में HAU यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर एक फुल बिल्डअप हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारे एनिमल्स के लिए डॉक्टर हैं अलग अलग। बेसिकली मेन डॉक्टर्स हैं जैसे डॉग्स के लिए अलग हैं, काउ, बफेलो, कैमल, हॉर्सेस, इनके लिए अलग है, तो प्रॉपर वेल बिल्डअप सेटअप है यहाँ पे। तो अभी मैं थोर को लेके गया था अंदर, ये सब बिल्कुल सही है, इसका नॉर्मल चेकअप था, ये शायद फूड में कुछ दिक्कत थी इसलिए इसने थोड़ी सी लूज मोशन करी थी, बस वो भी एक बार लूज टूल थी, लूज मोशन भी नहीं थी इसके, तो अब सही है बिल्कुल ये थोर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अपने ब्लॉग में सिर्फ यूं नहीं होना चाहिए अपने ब्लॉग में कि टाइम पास हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, इसलिए मेरे ब्लॉग में आप वापस आओगे, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा तो इस बात को ध्यान से सुनना। अगर आप अपने डॉग को किसी भी हॉस्पिटल में, वेट क्लिनिक, कहीं भी लेके जाते हो, तो आपने 3-4 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जहाँ तक हो सके आपने अपने डॉग को स्ट्रेचर पर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में हर सेकंड पे अलग अलग मरीज आते हैं, अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत अलग अलग डिजीज़ होती है। जैसे इस एज में सबसे ज़्यादा पार्वो का ख़तरा होता है, पार्वो वायरस का, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वेट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सुरक्षा रखते हैं, वो सफाई रखते हैं, पर फिर भी ये वायरस ऐसे हैं कि रह जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके कि हमें
तो जहाँ तक हो सके हमने अपने डॉग को स्ट्रेचर पे नहीं रखना, ऐसे मैंने जैसे गोदी में रख रखा है, तो ऐसे ही अगर इसको इंजेक्शन भी लगवाना तो ऐसे ही लगवा लो आप, ठीक है। और एक और ध्यान रखना, आप अगर अपने डॉक्टर को वैट को ऐसे कहना कि आप पहले तो वो वैट खुद ही हाथ धो के चेक करेगा, क्योंकि वो अलग अलग पेशेंट्स को चेक करते हैं, अगर वो हाथ ना धोए, अगर वो भूल जाए, तो आप उनको कहो कि एक बार आप हैंड वॉश करके फिर इसको चेक करो, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर भगवान ना करे आपके डॉग की ऐसी कंडीशन है कि आपको उसे स्ट्रेचर पे बिठाना ही बिठाना पड़ेगा, जैसे ड्रिप चढ़ रही है, तो वो ड्रिप तो आप हाथ में रख के तो बिठा चढ़वा नहीं सकते, तो उसका इलाज ये है कि आप अपना खुद का एक कपड़ा ले आओ, एक लोथ ले आओ घर से, वो उनके स्ट्रेचर पे बिछा दो और फिर उसके ऊपर अपने डॉग को बिठा दो। जैसे मैं भी अपना एक क्लॉथ लेके आया था अभी कार में रखा हुआ वो, तो क्योंकि मैं मेरे को पता नहीं था ना कि आपका स्ट्रेचर पे बिठाना पड़ जाए, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये रहा फॉर, ये बिल्कुल सही है, मैं तो नीचे छोड़ के दिखाऊँ एक बार फॉर आया फॉर। बिल्कुल सही है सर, अच्छी उनके पार्क्स में घूम रहे हैं, तौर पर दिखा रहे हैं सर। अरे थोर को पानी पिला रहा हूँ मैं, जरूरी है, अभी इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, अब कार के अंदर तो एसी चलेगा, फिर भी एक बार थोड़ा टेम्परेचर सेट हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप कार में अपने डॉग को लेके जाओ तो इसके बर्तन लेके आना कोई भी, जिसमें आप पानी आराम से पिला सको उसे, आप ज़रूरी होते हैं ये। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग की एंडिंग होती है, आपको अगर इसमें इंफॉर्मेशन मिली, एंटरटेनमेंट मिला थोड़ा भी, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मेरे फादर का बर्थडे था तो वो हवन वाला सीन कैसा लगा जब थोर अंदर आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।